तो भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता रहता है कि पुचिंगी के इस जगह पे क्या बढ़ता है। यहाँ पे भाई 4-5 स्क्वाड एक साथ आ जाती हैं, तो भाई फुल गलत सीन होता है। तो भाई इस वीडियो को तुम देखो, मैं तुमको बताता हूँ भाई, कुछ टिप्स ट्रिक्स शेयर करूँगा लास्ट में। और भाई इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ, तो भाई ऐसी गलती अगर तुम भी करते हो तो भाई वो बिल्कुल मत करो। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखो, बताते हैं तुमको लास्ट में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। ऊपर है ना, इस घर के ऊपर है, एकदम टेरेस पे, यहाँ पे गंदा होने वाला है, गंदा सीन होने वाला है। तो भाई ऐसे समय ज़रूरत होती है फुल पेशेंस की। भाई पूरा पेशेंस के साथ गेम खेलो, कोई भी जल्दीबाजी, कोई भी गलती मत करो। तो और मैं यहाँ पे अगल बगल कितनी स्क्वाड है और कौन बंदा कहाँ है, मैं ये जानने के लिए पूरा चारों तरफ घूमता रहता हूँ। और जहाँ पे मुझे टीममेट को ज़रूरत रहती है वहाँ पर मैं तुरंत बजाता हूँ, क्योंकि भाई कोई अकेला रहा अगर तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। एक स्क्वाड आई, स्क्वाड हाउस पे, स्क्वाड हाउस पे। दो स्क्वाड है अभी भी यहाँ पे। नॉक हुआ ये वाला। स्क्वाड हाउस पे अगर एक बंदा आया है तो सही है, उसको उठाने भी कोई जाएगा। आई नीड एमो। ओ भाई देखियो बे, सामने वाला वो बंदा रिवाइव हो गया। सुनो अभी स्क्वाड हाउस पे बंदा है, रस करोगे? एक और है। कसम से क्या लगा के रखे हो बे तुम, आना जाना आना जाना। एक गाड़ी और आ गई, बुला लो तुम्हारे मेहमान है सब। भाई क्या सीन हो रहा है ये? घुमाओ गाड़ी। सुनो पीछे आओ तुम, स्क्वाड हाउस पे रस करना है, आ जाओ। कोई आ रहा है? अबे आ जाओ बे, दोनों आ जाओ, कवर कवर टू कवर आना। एक नॉक, एक नॉक, सुनो सुनो, एक नॉक है, रस कर सकती हो आराम से, दूसरा भी डैमेज है एकदम। तो भाई यहाँ पे मैं 3 बार कॉल देता हूँ, भाई आ जाओ, पीछे आ रहे हो, पीछे आ रहे हो। और मैं भी भाई ध्यान ही नहीं देता हूँ बिल्कुल कि कोई मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं, मैं घुस जाता हूँ सीधे। तो भाई उसी का नतीजा रहता है कि मैं यहाँ पे मारा जाता हूँ। तो भाई बहुत ही गलत सीन रहता है। और ये बंदे कैंप ऐसा किए रहते हैं कि मैप में फुटस्टेप तक नहीं आता है कि भाई कितने बंदे हैं वहाँ पे। तो भाई बहुत गलत सीन का शिकार हो जाता हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे सिचुएशन में तुम लोग को देखना चाहिए भाई, पेशेंस रखना चाहिए पूरा। और भाई हमेशा तुम चारों तरफ बिल्डिंग में घूमते रहो कि भाई पता लगे कि भाई कहाँ पे कितने बंदे हैं, ये तुम लोग को देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो भाई अगर कुछ इस टाइप के तुमको कैंपर मिल जाएंगे जो कि भाई फुटस्टेप फुटप्रिंट नहीं देंगे, तो भाई उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पे एक स्क्वाड और रहती है जो चर्च पे रहती है, तो वो चर्च वाला बंदा भाई हमारे सारे टीममेट्स को मार के ख़त्म कर देता है। वहाँ पे एक स्क्वाड के 3 बंदे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, देखने पे 4 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो वहीं से हमारे सारे टीममेट को मार देते हैं। तो वीडियो यहीं तक थी भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई सब्सक्राइब करके जाना।